ओके स्टार्ट आगे देखो क्या करना, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी करनी है हमको, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी सारणी दे रखी है, उसकी किसी भी रो की वैल्यू या किसी कॉलम की, कोई सारी रो या कॉलम हो, अगर टोटल एलिमेंट जीरो है उसके, तो उसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पर क्या है आर टू पूरा जीरो है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, डायरेक्ट लिख देंगे आप जीरो, यहाँ लिख देंगे, चूंकि आर टू क्या था आपका जीरो था, पूरा आर टू जीरो, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। यहाँ पर क्या है सी टू जीरो था, इसकी वैल्यू जीरो होगी इस वाले की, समझ पा रहे हो। पहली प्रॉपर्टी क्या, किसी भी डिटरमिनेंट के अगर टोटल एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम के जीरो हो, तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। दूसरा जो है, दूसरा क्या है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई एक रो किसी दूसरे रो के बराबर है, या कोई एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम के बराबर है, तो भी वैल्यू जीरो होती है। जैसे देखो क्या आर वन ये वाला, और इसे देखो आर थ्री, ये वन टू थ्री, ये वन टू थ्री, दोनों सेम है आर वन आर थ्री, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू जीरो। अगर यहाँ देखो यहाँ क्या है वन फोर फाइव, वन फोर फाइव, सी वन और सी थ्री सेम है बिल्कुल, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो। यानी दो प्रॉपर्टी होगी, यानी अगर क्या है पहले प्रॉपर्टी थी किसी भी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम के टोटल एलिमेंट जीरो, तो जीरो वैल्यू होगी। कोई दो रो या दो कॉलम एक जैसे, तो भी क्या होगी वैल्यू जीरो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम डिटरमिनेंट का टोटल रो को कॉलम में बदले, तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये क्या वन टू थ्री, इसको खड़ा करके लिख दिया वन टू थ्री, ये फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स लिख दिया, ये क्या सेवन एट नाइन, सेवन एट नाइन लिख दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही रहेगी। लेकिन चौथी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आप किसी भी एक रो को किसी दूसरे रो में बदले, तो आगे माइनस आ जाएगा। जैसे मैंने आर वन को आर टू में चेंज करना है, आर वन पहले था ये और आर टू यहाँ, तो इसको ऊपर लिख दूंगा, इसको नीचे, मैंने क्या किया फोर फाइव सिक्स ऊपर लिख दिया, वन टू थ्री नीचे, ये सेम रखा, तो आगे क्या आ गया माइनस। ऐसे यहाँ पर अगर सी वन को सी टू में चेंज करूँ, कोई कॉलम को किसी दूसरे में चेंज करूँ, तब भी माइनस आता है आगे। सी वन क्या था ये वाला, इसको मैं थ्री की जगह लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, इसको टू की जगह, तो ये यहाँ वन फोर सेवन, तो टू की जगह क्यों, और जो टू फाइव एट था ये पहला था यहाँ पर टू फाइव एट, तो आगे आ जाएगा माइनस। तो चार प्रॉपर्टी होगी सिंपल सिंपल। अब इसके बाद आपकी पांचवी प्रॉपर्टी आती है, तो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है, उसके भी इसमें क्वेश्चन डाल दूंगा मैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी ये है कि हम किसी भी एक रो में, किसी एक रो के लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर से गुणा करके, किसी भी रो में रो को हम जोड़ या घटा सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं किसी दूसरी रो के साथ, किसी एक रो को किसी दूसरी रो के साथ जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है, और इसके गुणा करके भी घटा सकते हैं किसी संख्या से, तब भी उसकी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिख दिया कि आर वन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आर वन में जोड़ रहा हूँ, आर वन में कितना टू आर टू जोड़ रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, आर वन को केवल चेंज करना है, कैसे, आर वन को सेम लिखेंगे, इसमें क्या कर देंगे आर वन में जोड़ देंगे टू आर टू, इसमें दो का गुणा करके इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये वन है, इसमें दो का गुणा किया आठ हो गया, आठ और एक कितना हो जाएगा नौ, यहाँ दो है, इसमें दो का गुणा दस हो गया, दस और दो बारह हो जाएगा, ये तीन है, इसमें दो का गुणा किया छह दो की बारह होती पंद्रह हो गया, ये बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी होती है, तो ये टोटल पांच प्रॉपर्टी है, उसके से आराम से कर लें। जैसे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया इसी पे बेस्ड, छोटा सा एग्जाम्पल है, जितनी प्रॉपर्टी है ना सब पे बेस्ड, जैसे मैंने लिख दिया पर क्या है वन वन वन, यहाँ लिख दिया ए बी सी, यहाँ लिख दिया बी प्लस सी, यहाँ लिख दिया सी प्लस ए, और यहाँ लिख दिया ए प्लस बी, ठीक है। आपसे कह दिया आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू जीरो होगी, ये क्वेश्चन आया है, कुछ एग्जाम्पल है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो आप प्रॉपर्टी जो देंगे यहाँ पर क्या, देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इन्हें जोड़ दूं ये भी क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, है ना, इसे जोड़ो तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ जो सी टू है इसके लिए मैं सी टू प्लस सी थ्री कर दे रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं ना, किसी भी एक कॉलम को चेंज करने के लिए किसी दूसरे से जोड़ सकते हैं, अभी बताया था जस्ट पहले, क्या हो जाएगा पहला तो वन वन है, अगर इनको जोड़ दें क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी प्लस सी, इसे जोड़ें क्या हो गया बी प्लस सी प्लस ए, इसे जोड़ें क्या हो गया सी प्लस ए प्लस बी, आर टू केवल सी टू चेंज होगा बाकी पीछे वाला सेम रहेगा, बी प्लस सी, सी प्लस ए और इधर ए प्लस बी, समझ आ रहा है। अब एक प्रॉपर्टी ये होती है किसी भी एक रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हो, कोई संख्या अगर कॉमन आ रही है, तो यहाँ पर क्या कॉमन है ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी तीनों ए प्लस बी प्लस सी है, तो लिख देंगे क्या सी टू में से, सी टू में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, इस पर आप कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो क्या देंगे वहां ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा यहाँ तो वन 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 था ही, यहाँ भी क्या बचेगा वन वन वन, इधर क्या है बी प्लस सी, इधर सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, लिखवाया था ना क्या किसी भी डिटरमिनेंट के दो कॉलम एक जैसे हो उसकी वैल्यू क्या होती है जीरो,
क्या लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर सी वन और सी टू बराबर है इसीलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या करेंगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी था, इसमें मल्टीप्लाई करके किसका इसकी वैल्यू जीरो हो गई, बराबर क्या गया जीरो। यही आपको लाना था एचएस में, समझ पा रहे ना, क्लियर है प्रॉपर्टी, यही सब प्रॉपर्टी थी, मतलब आपका ओवरऑल डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया।